ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे क्रिकेट में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है और मैं क्रिकेट देखता ही नहीं हूँ, लेकिन जब भी बात वर्ल्ड कप की आती है और खास करके सेकेंड इनिंग चल रही हो तो यार मैं इंटरेस्टेड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई अभी फर्स्ट इनिंग देखना होगा फिर सेकेंड इनिंग देखना होगा, मुझे बस एंड तक देखना होता है कि भाई जो कांटे का टक्कर रहता ना वो। लेकिन कल जब मैं देखने के लिए बैठा ना बॉस, तो मेरे लिए शॉकिंग था कि एक भी विकेट नहीं गिरा था। और मैं बिग बॉस देखते देखते अचानक से मैंने बोला कि यार चलो देख लेते हैं, क्योंकि जहां मैं जॉब करता हूं वहां पे बहुत सारे लोग कह रहे थे यार आज T20 वर्ल्ड कप है, आज मज़ा आ जाएगा, इंडिया पाकिस्तान। और जब देखने के लिए बैठा इट वॉज जस्ट लाइक अ हार्ट ब्रेकिंग। मैं क्रिकेट लवर नहीं हूं और ना ही मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो सोचो मुझे इतना हर्ट फील हुआ होगा। तो जो भाई क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्रिकेट को अपना इश्क समझते हैं, उनके लिए क्या फील हुआ होगा। तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और ट्विटर पे चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है ट्रेंडिंग पे। तो सबसे पहले देखने को मिला मौका मौका। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये मौका मौका क्या है, पर दिमाग में एक गाना गूंज रहा था मौका मौका, और मैंने सोचा चलो यार अच्छा सा कोई ऐड होगा। अब वो ऐड देखने के बाद पता चला कि ये साला कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस की सीमा पार कर देना, बिल्कुल वही वाली चीज चल रही थी। मतलब क्या बकचोदी था और क्यों करना था यार, सबको पता है हर दिन संडे नहीं होता, हर बार अच्छा नहीं होता, तो भाई आप पहले से ऐसा प्रेडिक्शन लगा लो वो बहुत ज्यादा गलत और गंदा लगता है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ और भी ट्रेंड करते हुए दिखा, हैशटैग पनौती। अब वो पनौती कौन है, जब मैं देखने के लिए गया आई वाज शॉक्ड कि उस स्टेडियम में जो है अक्षय कुमार भी थे। माना आप बहुत ही ज्यादा पैट्रियोटिक मूवीज बना चुके हो और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबने भारत कुमार बोल दिया है और आप एकदम अशोक कुमार बन चुके हो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो मैंने सोचा चलो यार एक्सप्लोर करते हैं। शुरू करने से पहले सिर्फ एक सवाल है, मैंने एड में देखा मौका मौका एड में, जहाँ पे इंडियन टीम प्लेयर कह रहा होता है इंग्लैंड के एक पर्सन से कि भाई याद रखना PKM की भी। अब इसका तो मेरे दिमाग में आ गया पाकिस्तान की मां की। बाय द वे आपके दिमाग में क्या है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, PKM की भी पाकिस्तान का मां का क्या है, ऐसा कुछ है? जो भी है यार कमेंट सेक्शन पे बताओ। और चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एवरीवन इमोशनल इंडियन क्रिकेट फैन टू गौतम गंभीर सर एंड अक्षय कुमार फ्रॉम यस्टरडे एंड प्लीज रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ देम डोंट प्रिडिक्ट एनीथिंग गंभीर सर एंड डोंट गो फॉर लाइव मैच अक्षय कुमार, इट इज अ रिक्वेस्ट। हैशटैग पनौती भाई बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा। हैशटैग इंडिया वर्सेस पाक, हैशटैग पनौती, हैशटैग गौतम गंभीर, हैशटैग अक्षय कुमार। हु इज बिगर पनौती अकॉर्डिंग टू यू, अक्षय कुमार और जय शाह? हैशटैग मौका मौका, 2 year past चैंपियंस ट्रॉफी लॉस्ट ड्यू टू हिज अफेक्शन विद मोहम्मद आमिर, टूडे वी लॉस्ट ड्यू टू हिज लव फॉर बाबर आजम। विराट कोहली को टैग किया है इस घर का भेदी, साला ये कमीना हमेशा पाकिस्तान से जानबूझ के हारता है, हैशटैग पनौती। इट इज़ नॉट लाइक दैट मैन, जब भी आप कहीं पे हारते हो ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाली पार्टी जीत गई तब तोड़ फोड़ मचाओ उसको जाके गाली दो, वो टाइम अभी नहीं रहा है। अभी सभी लोग जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं हर जगह पे, खास करके अगर वो पब्लिक फिगर है तो उनको खास करके करना पड़ता है, ये गेस्चर जो है दिखाना पड़ता है उनको, तरह से लेना यार सही नहीं है। हमारे कोहली भाई काफ़ी मेहनत करते हैं, अगर मेहनत नहीं करते हैं और अगर वो अच्छा नहीं खेलते हैं तो यार पूरी दुनिया पूरी इंडिया उनकी पागलों जैसे फैन नहीं होती, लाइक दाढ़ी वाड़ी नहीं रखती। स्टॉप ब्लेमिंग विराट कोहली फॉर द लॉस व्हेन इंडिया वाज कंटिन्यूअसली लूजिंग विकेट, ही वाज द वन हु स्टूड देयर टिल एंड, दोज गाइज आर इडियट हु आर इन्वॉल्विंग अक्षय कुमार, मोदी जी, जय शाह एक्सेट्रा, क्रिकेट इज प्लेड बाई प्लेयर्स नॉट बाई पॉलिटिशियन और बाई बॉलीवुड स्टार्स। एग्जैक्टली, अगर यही मैच जो है जीत गई होती ना तो सब कहते हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी जी को बोलते हैं मोदी जी ने देखो आते ही क्या किया, हमें वर्ल्ड कप जिताया, फिर निकालते 70 साल। तो भाई अगर जीत जाती तो उनको तो कह रहे होते ना, तो अभी हारी है तो क्रेडिट लो ना, पर फिर भी हमारे मोदी जी का स्लोगन है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। फाइनली दे गॉट अ ट्रू अपॉर्चुनिटी टू से बॉयज प्लेड वेल। पाकिस्तानियों के लिए इंडिया के साथ में जब मैच होता है ना तो उनके दिल में एक ही चीज चल रहा होता है कि भाई इज्जत गई, फिर से हार के आएंगे, फिर से जो है इंडिया वाले जो है पूरा ट्विटर फेसबुक यहाँ वहाँ पे चलाते रहेंगे, हम लोगों के मेम पेल दिया ठोक दिया जो भी है वो चलाते रहेंगे और बहुत बेइज्जती होगी। फाइनली इनको बर्गर और पिज्जा जो है ना हक से खाने को मिलेगा, हक से। ब्लैक लाइफ मैटर, मुस्लिम लाइफ मैटर्स, क्रिश्चियन लाइफ मैटर्स, हिंदू लाइफ नो बर्डर, इट्स डजंट मैटर। ये वाला देखो बहुत ही अलग है। मास्टर स्ट्रोक प्लेयर ऑफ इंडिया, हैशटैग पनौती, मोदी जी का फोटो डाल दिया, उसके ऐसे लिखा है दे आर 3 आर द रियल पनौती फॉर इंडिया एंड T20 वर्ल्ड कप मैच, इंडिया पाकिस्तान मौका मौका, BCCI ओवर कॉन्फिडेंस,
#। मेरा एक ही कहना है, ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब मैं अपने पड़ोसी से जाकर के बोल रहा था, यार ये सेकेंड इनिंग चल रहा है और ये जीरो विकेट पे मारे जा रहा है, धड़ाधड़ 130 हो गया है, तो बोलने लगा हाँ भाई इसीलिए मैंने मैच देखना बंद कर दिया है। मुझे बिग बॉस का ऐड बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था, तो मैंने सोचा यार मेरे पास में तो सब्सक्रिप्शन है, जाकर के हॉटस्टार पर लाइव देखूँ। तो मैं देख के हिल गया, मैंने बोला अभी समझ में आ रहा है अपने एरिया में इतनी शांति क्यों है। क्योंकि जहाँ तक की बात इंडिया और पाक की हो, तो भाई एकदम नापाक इरादे हो जाते हैं हमारे, हम सोचते बस पेल दे, पर इस बार एकदम शांति थी यार, अच्छा फील नहीं हुआ। Amazing! If only this Canadian did not show up #Panauti just for the entertainment. Loser कहीं का, पनौतियों का ये बादशाह है, ये गाना बजाना चाहिए था स्टेडियम में। By the way, that song is most favorite to me, क्योंकि मैं सक्सेस से ज़्यादा फेलियर का सामना किया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है यार कूल सा सॉन्ग है, हम जहाँ पे भी जाएंगे मजा डालेंगे, मतलब लोग देख के बोलेंगे देख साला लूजर आ गया। सॉरी, मैं ट्राई करता हूँ यार कंसिस्टेंट रहने की, लेकिन क्या करूँ यार, जब जॉब के साथ साथ आप कोई अपना पैशन फॉलो कर रहे होते हो, अपने कोई शौक को पूरा कर रहे होते हो ना, तो एक लिमिटेड टाइम होता है। और जहाँ तक रात जागने की है, जिस दिन मैं रात जागता हूँ ना, उस दिन मेरा जॉब पे से पूरा फोकस हट जाता है, पूरा दिन झपकी लेता रहता हूँ। अब कोई बोलना मत कि वो सपना ही क्या है जो नींद ना उड़ा दे, उड़ाती है नींद, उड़ाती है, ट्रस्ट मी। घर वाले परेशान है मुझसे कि ये घर पे टाइम नहीं देता है, जैसे ही काम से फ्री होता है सीधा अपना कैमरा लेके घुस जाता है, और जब कैमरा लेके हो जाता है तो फिर 3-4 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। व्हाट कैन आई डू, दिस इज द थिंग मैन आई हैव टू डू फॉर दिस। वो अक्षय कुमार का डायलॉग रहता है ढोलकी के, वही है अभी वो ढोलकी के कैनेडियन, भाई तू हमें माफ कर और हमारी क्रिकेट टीमों से दूर रह। क्यों भाई क्यों, पनौती इज ट्रेंडिंग बिकॉज ऑफ कैनेडियन कुमार, वेल डन ट्विटर इंडिया। और एक चीज यार ये बहुत ज्यादा चल रहा है, बेशरम कोहली, व्हाट डू यू मीन, मतलब हार गए जाकर के सामने वाले को फोड़ दो क्या, ये साला गली क्रिकेट हो रहा है क्या, ये अपने मोहल्ले का संडे मैच हो रहा है कि नहीं, हुआ तो बैट तोड़ दिया, विकेट उठा के धो दिया, ये सब हम बचपन में किया करते थे। अब ये बोलना मत कि तुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे देखने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खेलने में इंटरेस्ट है। कुछ चीजें हैं जो देख के आनंद मिलती है, लेकिन कुछ चीजें जो खुद करके आनंद मिलता है। भाई खतरनाक, दिस वन इज पीक मैन, पीक मतलब एकदम सारी हदें पार करने को पहुंच गई ये वाली ट्वीट। समवन हैज टू ब्लेम बिकॉज अनुष्का शर्मा वाज एब्सेंट, सो जय शाह एंड अक्षय कुमार। मीनवाइल अनुष्का शर्मा बच गई, इस बार किसी ने नहीं बोला कि वाइफ स्टेडियम में थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन उसकी। जय शाह, आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेंड पनौती मुझे क्यों तोड़ा, तू एक नंबर का पनौती है, व्हाट द फक, क्या जरूरत है इस चीज की भाई। मोदी इज वर्स्ट पनौती सिंस 2014, हैज नॉट टू वोन एनी की, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे मासूम मोदी जी को कुछ बोला तो। गेम आफ्टर दिस केम इनटू पावर सिंस 2014, आप लोग डिसाइड करो कमेंट सेक्शन पे बताओ क्या ये सारी चीजें सच है। # पनौती इज ट्रेंडिंग एंड एवरीवन ब्लेम अक्षय कुमार, मीनवाइल अक्षय कुमार हम कोई मंदिर का घंटा है जो कोई आता है बजा के चला जाता है। अक्षय कुमार आफ्टर सीइंग पनौती इज ट्रेंडिंग बिकॉज ऑफ हिम, ये वाला ओके मिस्टर आक्थू, अच्छा ये है ओके समझ में आ गया। वंस अगेन # पनौती इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर बिफोर स्टार्टिंग मैच, मीनवाइल मोदी जी मैं पनौती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे पनौती पैदा किया, इसकी माँ का गरीब कितना फेमस हो रहा है हर जगह पे यार, उसका मीम यूज हो जाता है यार, ट्रस्ट मी वो बंदा डिजर्व भी करता है, सच्ची में गरीब है। पहले मुझे लगता था ऐसे ही वीडियो बनाया जा रहा है, जब उसका यूट्यूब चैनल देखा तो बॉस गुड गोइंग। हाँ, इसको देख के याद आया, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई होती तो उस वक्त में हर न्यूज चैनल पे सारे खिलाड़ी को हटा देते साइड में, और मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर में मोदी जी ने धूल चटवाया पाकिस्तान को, थर थर कांप गए पाकिस्तान, पाकिस्तान की हो गई बोलती बंद। टैगलाइन अगर मुझे इतना अच्छा आता ना, मैं अपने थंबनेल पे क्लिकबेट खेलता और अच्छे व्यूज लाता। मुझे इन लोगों से सीखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या हेडलाइन होना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाई बहुत ही दमदार है, आप लोगों में से बताओ, मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा था, पर मैंने सही से जब कैप्शन पढ़ा तो मुझे समझ में आया एग्जैक्टली क्या लिखा है। आप लोगों को समझ में आया नहीं, कमेंट सेक्शन में जाकर के बताओ कि ये वाला मेम, ये वाला जो ट्वीट है क्या कहना चाहता है। ये चीज जो है ना यार, आई एम टोटली डिसएग्री विद दैट। व्हेन एसआरके वाज देयर इन 2011 T20 वर्ल्ड कप, हाँ तो इसमें ही वाज कंटिन्यूअसली चेयरिंग एंड वेविंग द फ्लैग ऑफ इंडिया, बट टुडे मैच कैनेडियन कुमार डोंट इवन प्रेजिंग द प्लेयर हु डिड बेटर जॉब, ही सिंपली सैट ऑन द स्टेडियम। खत्म करते हैं यहाँ तक ना, खत्म करते हैं।
देखो यार, एक हद तक मजाक वजाक तक सही है, पर लोगों का गुस्सा दिख रहा है और वो गुस्से से समझ में आ रहा है कि लोगों के पास में मतलब अकल घास चरने गए है। ये तो वही वाली बात हो गई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कुछ लोग ये भी बोलेंगे दुबई में हुआ, इंडिया में होता तो पेल के रख देता। सबसे पहली चीज की उन्होंने प्रिपरेशन सही से नहीं किया था, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि जहां हमारी टीम इतनी कुत्ते जैसे धोती है, वो कल के दिन में क्या हो गया मुझे नहीं पता। तो एग्जैक्टली जो है ना, तैयारी की कमी थी या फिर बोलो कि एक ओवर कॉन्फिडेंस था, देख लेंगे अरे यूं ही निकाल देंगे इन लोगों को, देखना धो डालेंगे सेकेंड इनिंग में, इन लोगों के एक एक करके विकेट निकाल देंगे, ये सारी चीजें रही होंगी दिमाग में, जिसके वजह से जो है खेल गया। रही बात पाकिस्तान की तारीफ करने लायक है या नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ पाकिस्तान अपने लक से जीता है, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस से जीता है। परफॉर्मेंस देने का उसको मौका मिल गया, क्योंकि इंडिया जो है उस तरह से नहीं थी जैसे वो हमेशा होती है। और क्या हो गया अबे, हाँ चल भाई, बाप हर दिन तुमको खिलाता पिलाता है, एक दिन अगर तुमने खर्चा करके बाप को खिला दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसी कोट के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ कि हमेशा यार तुम कुत्ते जैसे हारते आए हो, और एक बार अगर जीत लिए तो जाओ जा करके यार ऐश करो, अभी हक से पिज्जा और बर्गर खाओ यार, शान से थोड़ा घुसो, डर डर के अपने घर में मत जाओ, आराम से जाओ। और इंडिया वाले को जो है उतना दब करके भाई अपनी दिवाली मनाने की जरूरत नहीं है, दिवाली सबके लिए है। वैसे भी लास्ट 2 साल से जो है सब लोग जो है दिवाली बहुत ही अलग तरह से मना रहे हैं, आई होप कि इस टाइम जो है हमेशा के जैसे मनाएंगे लोग। और दिवाली इस अंडर प्रेशर में मत मनाओ कि यार हम अगर दिवाली मनाएं तो हमें एंटी नेशनल कह दिया जाएगा, या फिर हमें बोलेंगे देखो देखो साला पाक का सपोर्टर है। भाई दिवाली का पटाखा फूट रहा है, दैट डजंट मीन कि हम लोग खुशी में जाकर के दिवाली का पटाखा फोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है, कुछ अकल वकल है या नहीं, या फिर सीधा एकदम मासूम मोदी जी के गैंग में जाकर के एकदम दिमाग को धो डाला। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो यार ठीक है साला, बाप हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, एक बार बेटे ने कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो इससे बाप और बेटे में जो है ना रिश्ता नहीं बदलता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जाओ बेटा खुशी खुशी से पागल हो, जो करना है करो, ठीक है। सो उतना ज्यादा उड़ने का नहीं, दैट्स इट। सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस थिंग, कि भाई मैंने कल रात को जो देखा वो मैंने बताया। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।